नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असम न्यूज इंडिया। और इस वक्त की खबर तालिबान से, जहां क्रूरता और अत्याचार की तमाम खबरें सामने आ रही हैं और उन्हीं में से शिक्षा को लेकर भी एक अजीबोगरीब फरमान देखने को मिल रहा है। तालिबान राज में एक अजीबोगरीब जो फरमान दिखाई दे रहा है वो शिक्षा को लेकर है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि स्कूल के अंदर क्लासरूम में लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ेंगे जरूर, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। इस अजीबोगरीब फरमान से लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। फिलहाल डालते हैं एक नज़र खबर पर। तालिबान राज में जो नई व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्लास में एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां बैठेंगी, दोनों के बीच में पर्दा लगा होगा। इस अजीबोगरीब फरमान से तालिबान के लोग आश्चर्यचकित हैं। यह आदेश तालिबान हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लास होनी चाहिए। साथ में ये भी कहा गया कि अगर यह संभव नहीं है तो क्लासरूम में पर्दे की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, क्लास से पहले लड़के निकलेंगे और बाद में लड़कियां निकलेंगी। इस आदेश के बाद अफगानिस्तान की नई न्यूज़ एजेंसी ने क्लासरूम की तस्वीर भी जारी की है, जिसमें क्लासरूम में बीच में पर्दा लगा दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। यही नहीं, क्लास में छात्राएँ भी बुरके या नकाब में दिखाई दे रही हैं। तालिबान के आदेश में तमाम कई अन्य बिंदु भी हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि महिलाएं स्कूल या विश्वविद्यालय में खुद को सिर से पांव तक ढक कर आएं। यही नहीं, चेहरे को भी बुरके या नकाब से ढकना होगा। छात्राओं को सिर्फ महिला अध्यापक ही पढ़ा सकती है। अगर ये संभव नहीं है तो बुजुर्ग और अच्छे चरित्र वाले पुरुष अध्यापक ही महिलाओं को पढ़ा सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था और इसके बाद से तमाम व्यवस्थाएं बदल गईं। महिलाओं पर तमाम पाबंदियां और बर्बरता की खबरें सामने आ रही थीं। लड़कियों की शिक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही थी। इससे पहले 1906 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब लड़कियों के पढ़ने पर पाबंदी थी। और अब दोबारा तालिबान राज आया तो तालिबान ने लड़कियों के पढ़ने को छूट तो दे दी है, लेकिन जिस तरह के नियम आ रहे हैं उस पर सवाल उठ रहा है और दहशत के माहौल में पढ़ना कहां तक संभव हो पाएगा। तो जैसा कि तालिबान ने बीते दिनों अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी व्यवस्था भी बदल दी गई, और अब जो शिक्षा प्रणाली में व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं और कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि तालिबान की ये जो शिक्षा प्रणाली है ये कहाँ तक सफल हो पाएगी। फिलहाल तालिबान की शिक्षा प्रणाली को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। फिलहाल अब तक के लिए ये थी खास खबर। आप बने रहिए इसी तरह से SMZ News India के साथ।